हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है फिर से अपने चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और वीक एंड जो लॉकडाउन है वो लगा दिया गया है आज साय 6 बजे से, और जो सोमवार की सुबह 6 बजे तक ये लॉकडाउन रहने वाला है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको प्रॉपर क्लासेस ऑनलाइन के माध्यम से आपको प्रॉपर क्लासेस दी जाए। और हम इस दौरान पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में हमने शुरू किए थे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए, SI सब इंस्पेक्टर के लिए और पटवार के लिए, और जहां भी हिंदी व्याकरण लगती है उन सभी के लिए हमारी जो ये क्लासेस है आपको निरंतर देते रहेंगे, अगर स्थिति सही रही तो, यानी आने जाने में दिक्कत ना रही तो मैं आपको क्लासेस यहाँ पे लगातार प्रोवाइड करवाता रहूंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहें, इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें, और आने वाले दिनों में आपको एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट की क्लासेस भी आपको दी जाएगी, और आपने एक क्लास है उसका अध्ययन कर भी लिया होगा जो विकास चौधरी सर आपको राजस्थान GK भी करवाने वाले हैं, और आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर का पार्ट भी करवाने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने मित्रों को भी लेके आए वीडियो में, और क्लास को भी शेयर आप कर सकते हो अच्छी तरीके से। और अपने चलो शुरू कर देते हैं। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था SI की, मैं बात कर रहा हूँ SI की, 5 वीडियो हम पढ़ चुके हैं। आज हमारी जो क्लास रहने वाली है वो 6th क्लास रहने वाली है, ठीक है। आज हमारी जो SI के लिए जो क्लास रहने वाली है वो 6th रहने वाली है, और संधि के संदर्भ में अगर बात करी जाए तो संधि की जो क्लास रहने वाली है वो 3री क्लास यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। संधि के संदर्भ में देखी जाए तो वहां पे 3री क्लास आपकी यहाँ पे रहने वाली है। और लास्ट क्लास में मैंने आप संधि की शायद 3री नहीं है, ये 4th क्लास रहने वाली है आपकी, यहाँ पे 4 नंबर क्लास है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था आपकी जो संधि है दीर्घ संधि, उसके बारे में मैंने चर्चा की है। आज मैं आपको गुण संधि और वृद्धि संधि के ऊपर मैं आपको पूरी की पूरी चर्चा यहाँ पर करने वाला हूँ। तो देखिए, हमारी जो संधि है 2 नंबर संधि जिसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, गुण स्वर संधि, दूसरी जो संधि है जिसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ गुण स्वर संधि, और आपकी जो 3री संधि है वो वृद्धि स्वर संधि। 3री संधि कौन सी आपकी, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, 3री जो संधि है आपकी वृद्धि स्वर संधि। मैं इन दोनों संधियों को एक साथ क्यों बढ़ा रहा हूं, ठीक है। कुछ साथी कल वाली क्लास में कमेंट कर रहे थे कि सर थोड़ा सा धीरे चलिए, वैसे मैं आपको बता दूं कि धीरे ही पढ़ा रहा हूं। अगर आपको ये लगता है कि ये भी स्पीड जाता है तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, 2-2 बार रिपीट करके स्लो स्लो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। 2री संधि है हमारी गुण स्वर संधि, और 3री संधि है हमारी वृद्धि स्वर संधि। देखिए, गुण स्वर संधि और जो वृद्धि स्वर संधि है उसकी बात मैं आपको बताऊं, दोनों को मैंने एक साथ क्यों लिखा उसकी भी एक कहानी है, और उसकी क्या कहानी है वो देखिए। आपकी जो गुण स्वर संधि है और जो वृद्धि स्वर संधि है, उन दोनों में क्या होता है, प्रथम शब्द के अंत में क्या आता है, ए या आ आता है। 2 नंबर संधि और 3 नंबर संधि है उसमें प्रथम शब्द के अंत में क्या आता है आपका, ए या आ आता है, ठीक है। ये बात आपके समझ में आई होगी कि गुण स्वर संधि है जिसमें प्रथम शब्द के अंत में ए या आ आता है, वृद्धि स्वर संधि है उसके भी अंत में क्या आता है आपका, ए या आ आता है। हाँ, आप ये कहोगे गुरुजी ये बात तो हमारी समझ में आ गई, फिर से बता रहा हूं कि गुण स्वर संधि में ए या आ आता है प्रथम के अंत में, वृद्धि स्वर संधि में भी ए या आ आता है प्रथम शब्द के अंत में। यहां तक की स्थिति आपकी क्लियर हो चुकी होगी, वैसे मैंने आपको उसके बारे में अच्छी तरीके से क्लास डाल भी दी थी। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, गुरुजी आपने तो ये कह दिया कि प्रथम के अंत में ए या आ आएगा, तो भाई द्वितीय शब्द के प्रारंभ में क्या आने वाला है, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में क्या आने वाला है, तो द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ह्रस्व ई यानी ए या आ के बाद में पहले 5 आए, ए या आ के बाद अगर पहले 5 आते हैं तो वहां पे कौन सी होती है, वहां पे आपकी गुण स्वर संधि होती है। ए या आ के बाद में जब अंतिम 4 आते हैं
अंतिम चार आते हैं तो वहां पे क्या होती है आपकी वृद्धि स्वर संधि होती है, ये आपको याद रखना है। आराम से धीरे धीरे से समझते जाना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। गुण स्वर संधि में ए या आ के बाद हर्षव और दीर्घ भी, हर्षव और दीर्घ आए और उसके बाद में री आए तो वहां पे गुण स्वर संधि होती है। उसके बाद में आपको बता रहा हूँ प्रथम शब्द के अंत में ए या आ, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ए आई ओ औ आए तो वहां पे संधि कौन सी होती है, तो भाई वहां पे संधि होती है आपकी गुण और वृद्धि दोनों को मैंने अलग अलग यहाँ पे बता दिया। अब देखो मैंने ये कहा संधि है क्या, तो मैंने आपको ये बताया था दो वर्णों के यानी दो निकटतम वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। अब देखो ए या आ के बाद में जब हर्षव या दीर्घ आएगी तो वहां इन दोनों का परिवर्तन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए या आ के बाद में जब हर्षव और दीर्घ, हर्षव और दीर्घ आए तो उनका जो परिवर्तन होगा वो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ए या आ के बाद, ए या आ के बाद अगर अगर आपका रिवर्ण आता है तो वहां पे क्या हो जाता है, ए या आ के बाद अगर रिवर्ण आता है तो वहां पे अर हो जाता है, वहां पे क्या हो जाता है, अर आपका हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ए या आ प्रथम के अंत में आएंगे, हर्षव दीर्घ द्वितीय के प्रारंभ में आएंगे, हर्षव दीर्घ आपका दीर्घ उसके प्रारंभ में आएंगे और आपकी जो री है वो उसके प्रारंभ में आएंगे। ए या आ के बाद में जब हर्षव और दीर्घ आए तो वहां पे ए होगा, ए या आ के बाद में हर्षव दीर्घ आए तो वहां पे ओ होगा। समझते जाना अच्छी तरीके से। अगर ए या आ के बाद में रिवर्ण आता है तो वहां पे उसका परिवर्तन क्या हो जाता है, वहां पे उसका परिवर्तन अर हो जाता है। इसके बाद में आगे यहाँ पे देखिए आपकी जो वृद्धि स्वर संधि है उसमें क्या परिवर्तन होने वाला है, तो भाई वृद्धि स्वर संधि में ए या आ के बाद में अगर ए या आई आए तो भाई आप क्या करोगे, वृद्धि करोगे, तो वृद्धि वाला जो वर्ण है वो आई है। ए या आ के बाद ए या आई आए तो उसकी वृद्धि क्या है आपका, आई है। ए या आ के बाद में आपका ओ या औ आए तो वहां पे आप क्या करते हो, औ करते हो। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। देखिए दो ही परिवर्तन होते हैं गुण स्वर संधि में, ए ओ अर का क्या हो जाता है, गुणादेश हो जाता है। इसी तरीके से आप अच्छी तरीके से चार्ट बनाते जाना, गुणादेश हो जाता है यानी गुण का आदेश हो जाता है, क्या हो जाता है, गुण का आदेश हो जाता है। यहाँ पे उसके बाद में अगर मैं बात करूं ए आपका यहाँ पे आई और औ का वृद्धि आदेश हो जाता है, तो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जिन साथियों ने कहा था सर जी आप स्पीड में चल रहे हो, तो आप बताएं कि आज मेरी जो स्पीड है वो स्लो है क्या, जितने भी साथी आप यहाँ पे लाइव जुड़े हुए हो मेरे साथ वो बताएं आज की जो स्पीड है वो स्लो है क्या। जितने भी मित्र देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करेंगे, चाहे आपसी एसआई वाले हों, चाहे एग्रीकल्चर वाले हों, रीट वाले हों, या फिर आप पटवार वाले हों, जो भी मेरा साथी इस दौरान मेरे साथ लाइव जुड़ा हुआ है वो ज्यादा से ज्यादा भाई क्लास को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको घर बैठे यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस आपको मिलती रहेगी। मैं पूरा भरसक प्रयास करूंगा कि आपको यहाँ पे पढ़ाऊं। तो एक बार क्या करिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं दोनों संधियों को एक एक संधियों को उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ। पहले संधि विच्छेद शब्दों को जोड़ूंगा, फिर जुड़े हुए शब्दों को तोड़ने की कोशिश आपके साथ में यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने नोट डाउन कर लिया होगा, सबसे पहले मैं गुण संधि के शब्दों के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ, जो गुण संधि के जो शब्द हैं उनकी बात अपने यहाँ पे करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, गुण संधि के जो स्वर शब्द हैं उनकी बात मैं यहाँ पर आपके साथ में करने वाला हूँ। चलो यहाँ पे चलते हैं आगे, गुण स्वर संधि के बारे में अपने लिखेंगे। और अब देखिए यहाँ पे गुण स्वर स्वर संधि है वो क्या है, आपको संरचना बता दी। अब उसकी गुण स्वर संधि की परिभाषा बताता हूँ मैं, होती क्या है परिभाषा। अभी तो मैंने दोनों का तुलनात्मक अध्ययन बताया आपको, वृद्धि स्वर संधि का और गुण स्वर संधि का मैंने आपको क्या बताया, तुलनात्मक अध्ययन मैंने बताया। अब प्रॉपर आप गुण स्वर संधि की क्या करोगे,
परिभाषा यहाँ पर लिखोगे, उसके बाद में फिर से संरचना में बताने वाला हूँ, उसके बाद में फिर से मैं आपको क्या है उदाहरण आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो परिभाषा क्या होगी नोट करते जाना, जब प्रथम शब्द के अंत में, जब प्रथम शब्द के अंत में ए या आ, यह चीज आपको ध्यान रखनी है, जब प्रथम शब्द के अंत में ए या आ तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में कर्मश हर्षवे दीर्घी हर्षवु दीर्घु री आए तो, यहां पे इसी तरीके से आप परिभाषा नोट करते जाओगे आए तो, ठीक है। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हम नोट डाउन करें तो कैसे करें, आपको मैं अच्छी तरीके से बता रहा हूं, परिभाषा रिपीट करूंगा, आए तो संधि करते इसमें, संधि करते इसमें कर्मशः, वापिस लिखूंगा, कर्मशः का मतलब है लगातार, कर्मशः ए इसका फिर ओ और लास्ट का क्या हो जाता है अर, विकार उत्पन्न हो जाए, उत्पन्न हो जाए तो वहां पर गुण स्वर संधि होती है, ठीक है। तो उसे भी देता हूं, तो उसे गुण स्वर संधि कहते हैं, तो उसे गुण स्वर संधि कहते हैं। परिभाषा मैंने आपको लाइन टू लाइन दिखाई है, स्लो स्लो करके दिखाई है, रिपीट कर रहा हूं, गुण स्वर संधि की परिभाषा यह है कि जब प्रथम शब्द के अंत में ए या आ तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में कर्मशः हर्षवि दीर्घि हर्षवु दीर्घु रि आए तो, यहां पे लिखना था आए तो संधि करते समय, आए तो संधि करते समय कर्मशः ए ओ अर हो जाता है, उसे गुण स्वर संधि कहते हैं। अच्छे तरीके से नोट कर लेना भाई, यहां पे आपको ये परिभाषा बड़ी अच्छी तरीके से नोट कर लेनी। देखिए इसके बाद में स्ट्रक्चर भी क्या बनेगा नीचे डाल देता हूं, फिर उदाहरणों की बात में आपके साथ में करने वाला हूं। स्ट्रक्चर इस तरीके से बनने वाला है, ए या आ आ गया, यही परिभाषा लिखाई है मैंने कि जब प्रथम शब्द के अंत में ए या आ और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में हर्षवि दीर्घि हर्षवु और दीर्घु और आपका रि आए तो, यहां पे क्या आए तो आपका रि आए तो संधि करते समय कर्मशः इन दोनों का ए गुणादेश हो जाता है, इन दोनों का ओ गुणादेश हो जाता है और इसका अर गुणादेश हो जाता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से नोट कर लेनी है और याद कर लेनी है। परिभाषा मैंने अच्छी तरीके से बताई है, देखिए परिभाषा क्या होती है, आप देखना कि जब प्रथम शब्द के अंत में आपको दिखाई दे रहा है कि प्रथम शब्द के अंत में ए या आ, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में आपका कर्मशः हर्षवि दीर्घि हर्षवु दीर्घु रि आपका आता है, तो संधि करते समय कर्मशः ए ओ और अर परिवर्तन हो जाता है। स्ट्रक्चर मैंने आपको यहां से लिखा दिया, तो भाई मार लो एक स्क्रीनशॉट, फिर अपने बात करते हैं इसके बारे में। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा एक, आगे चलते हैं अपने, ठीक है, लिख लिया होगा आपने, इसके बाद में अगर बात करें अपने तो देखिए अब मैं कुछ उदाहरणों की बात करूंगा, ठीक है, आराम से समझते जाना, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, चाहे आपको कम पढ़ा दूं, कुछ छात्रों की डिमांड थी कि गुरुजी आप धीरे धीरे पढ़ाओ, लो भाई मैं धीरे धीरे ही पढ़ा लेता हूं, ठीक है, लेकिन आप शेयर करने में कंजूसी मत करना,
भाई शेयर करने में कंजूसी मत करना, चाहे आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, चाहे एसआई के स्टूडेंट हो, चाहे आप भाई पटवार रेट का किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो। अगर रेट वाले स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं तो आप बताएं आपको रेट में क्या प्रॉब्लम आ रही है हिंदी से संबंधित, वो मुझे जरूर कमेंट करिए। आपके अगर डाउट होते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करिए। हो सकता है अगर आपके 5-10 डाउट होते हैं तो मैं एक सेपरेट क्लास आपके डाउट क्लास भी लगा सकता हूँ। आगे चलते हैं, गुण स्वर संधि के जो उदाहरण हैं उनकी बात मैं आपके साथ में कर रहा हूँ। गुण स्वर संधि के जो उदाहरण हैं, पहचान मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दी है कि किस तरीके से आएगा। जिस तरीके से मैं शब्द लिखता हूँ, राजा धन ईश, दो नंबर पर लिखता हूँ मैं सूर धन इंद्र, इंद्र में मात्रा छोटी आती है दूसरी और यहाँ पर बड़ी आती है, ठीक है। शब्द लिखता हूँ मैं जैसे परम धन उत्सव, और चौथा उदाहरण लिख देता हूं मैं देव धन इंद्र। यहां पर पांचवें उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो लिखता हूं मैं सप्त धन ऋषि। छठे उदाहरण की बात करूं तो मैं यहां पर लिखता हूं नारद धन ऋषि। सातवें उदाहरण की अगर बात करी जाए तो राजा धन ऋषि। और यहाँ पे आठवें उदाहरण की अगर मैं बात करूँ आपके सामने तो शब्द आता है जैसे सूर्य धन उदय। मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि आपको करना क्या है, आपको यही काम करना है। क्या काम करना है? मैंने आपको ये बताया था कि गुण स्वर संधि हो या फिर वृद्धि हो या फिर स्वर हो, व्यंजन हो, कोई भी संधि हो, सबसे पहले जो आपका प्लस का जो निशान है उस निशान से आपको वर्ण छांटना होता है। यहाँ पे आ स्वर है फिर ई स्वर है, ठीक है। राजा में आपको आ स्वर दिखाई दे रहा है और ईश में आपको ई स्वर दिखाई दे रहा है। जब आप नियमों की बात करते हो तो वहाँ पे आ और ई है, क्या बनाते हैं? आ और ई दोनों, अभी हमने बात करी है कि क्या बनाएंगे, वो ए बनाएंगे। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से आ की मात्रा निकाली, फिर हमने यहाँ से ई की मात्रा निकाली, आ और ई क्या बना रहे हैं? ए बना रहे हैं। तो भाई इसको जोड़ोगे, यहाँ से हमने आ की मात्रा निकाली और इन दोनों के योग से हमने ए बनाया और लास्ट में आपका क्या बच गया? स बच गया। तो शब्द क्या बन गया भाई? राजेश बन गया। राजा धनीश, राजा धनीश का मतलब होता है राजेश होता है, ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है निश्चित रूप से। देखिए इसके बाद देखिए सुर धन इंद्र, ए के बाद में आपका ई है, वापिस आपको सुर में से ए की मात्रा निकालनी है, ई से आपको ई की मात्रा, ए और ई क्या बनाएगा? ए बनाएगा। वापिस हम लिखते जाएं, यहाँ से हमने ए की मात्रा निकाली, आधा बच गया, यहाँ पे ए हो जाता है लास्ट में ये इंद्र। तो रे के बाद में जब स्वर हो तो वो इसी में कनेक्ट हो जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा आपका? सुरेंद्र बन जाएगा। क्लियर है ना? ये आराम से समझते जाना कि आपने सुर में से ए की मात्रा निकाली और ई में आपने इंद्र में से ई को अलग किया। यहाँ पे देखिए परम में आपने ए निकाला फिर ऊ निकाला, ए और ऊ क्या बनाएगा? अभी गुण संधि में बात करें अपने, ओ का निर्माण करेगा, ओ का विकार उत्पन्न करेगा। देखिए शब्द आपके सामने क्या बचता है? परम, यहाँ से हमने आया निकाला तो आधा बच गया, इन दोनों के योग से आपने ओ बनाया और लास्ट में ये क्या बच गया आपका? तशव। क्या बच गया आपका? तशव, ठीक है। इस तरीके से ये बन गया। तो आधा है, उसको पूरा करने के लिए आपको क्या करना है? परमोत्सव। क्या करना है आपको? परमोत्सव करना है, ठीक है। अगला उदाहरण देखिए, देव, देव में ए की मात्रा और इंद्र में ई की मात्रा, दोनों को हटाया यहाँ से देव और इंद्र, तो शब्द क्या बन गया? ए। अब देखो देव में ए निकाला तो आपका जो शब्द है वो क्या बच गया? ए। यहाँ से आपने ई निकाला तो देखिए क्या बच गया? ए, और यहाँ पे बच जाता है शब्द इंद्र, ठीक है। दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो शब्द क्या बनेगा? देवेंद्र बनेगा। दोनों को जोड़ोगे तो शब्द क्या बनेगा आपका? देवेंद्र बनेगा। इधर चलते हैं आराम से, मैं आपको एक एक उदाहरण को समझा रहा हूँ। यहाँ से आपको ए दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको री। जब प्रथम शब्द के अंत में ए और द्वितीय के प्रारंभ में री है तो गुण संधि में इन दोनों का जो विकार आता है वो किसका आता है? अर का विकार आता है, ये मान के चलना। यहाँ पर देखिए शब्द क्या बचता है? शब्द में हलंत लगेगी, यहाँ पे अर बना दोगे और यहाँ पे आपका सी बची जाता है। क्लियर है ना? यहाँ पर ये बात आपकी क्या है? यहाँ से क्लियर है। थोड़ा सा मैं इसको क्या कर देता हूँ? रोटेट कर देता हूँ। यहाँ से देखिए आपको क्या करना है? सप्त में ए की मात्रा,
फिर रे आधा, फिर सी। और यहाँ पे जो शब्द बन जाएगा भाई, रे आधे का नियम है, रे आधा ये कहता है कि मैं आपके बीच में नहीं आऊंगा। अगले उदाहरण की बात अपने करें तो अगला जो उदाहरण आपको दिखाई दे रहा है, नारद धन ऋषि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो मैंने आपको ये कहा मात्रा यहाँ से आप अलग करते जाइए, मात्रा आप यहाँ से अलग करते जाइए। नारद धन ऋषि ए है यहाँ पे और यहाँ पे री है, तो गुण संधि में इसका क्या परिवर्तन हो जाता है, अर परिवर्तन आपका यहाँ पे हो जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। देखिए उसके बाद में अगर मैं आपसे बात करूँ तो शब्द देखिए क्या बनेगा, नारद और इसके बाद में अर और यहाँ पे हो जाता है सी। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे नारद ऋषि, ठीक है, शब्द क्या हो जाता है, नारद ऋषि हो जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है भाई, मात्राओं को आपको अलग करना होगा, मात्राओं के बाद में आपका जो शब्द बचता है उसको जोड़ना होगा। मैंने फिर से बताया कि आधा रह है वो कभी बीच में नहीं आएगा, वो कहता है भाई मैं आधा बीच में नहीं आ सकता, अगले के ऊपर जाके बैठूंगा और फन तान के ये बैठ जाता है। इस तरीके से क्या हो जाता है, इस तरीके से ये बैठ जाता है। आगे राजा में आ है, यहाँ पे री है, प्रथम के अंत में आ और री आए तो वहां पर भी परिवर्तन अर का ही होगा, आर मत कर देना, अर का ही परिवर्तन होगा, आर मत कर देना। शब्द को तोड़ेंगे तो इस तरीके से राज धन अर और यहाँ पे हो जाता है आपका सी। तो शब्द क्या बनेगा, राजर्षि। ठीक है, शब्द क्या बनेगा आपका, राजर्षि। तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है, राजर्षि बन जाता है। इसके बाद में यहाँ पे अ है और यहाँ पे उ है, यहाँ पे अ है यहाँ पे उ है, तो ए और उ को मिलाएंगे तो यहाँ पे ओ बन जाता है, ए और उ को मिलाएंगे तो वहाँ पे ओ आपका बन जाता है। इसके बाद में अगर अपने बात करें तो शब्द देखिए ओ बना दिया आपने गुण स्वर संधि के तहत, आपको शब्द क्या बचाना है, यहाँ पे आधा है, फिर ओ है, फिर द और यह है, तो इसमें ये जोड़ोगे तो शब्द क्या बन जाएगा आपका, सूर्योदय बन जाता है। इस तरीके से ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं वहीं से क्या करते हैं, अपने शब्दों को तोड़ देते हैं। ये आपकी कौन सी संधि हो जाती है, ये आपकी गुण स्वर संधि हो जाती है। तो इस तरीके से गुण स्वर संधि में आप क्या करोगे, नियम लगाओगे और उनको आप हल करते जाओगे अच्छी तरीके से। आपको ध्यान रखना है किस तरीके से आपको ये सवाल करने हैं। और गुण स्वर संधि है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। गुण स्वर संधि में आपको एक चीज़ याद रखनी है, संधि युक्त जो शब्द होते हैं उसमें ऊपर सिंगल मात्रा आपको यहाँ पे मिलती है। गुण स्वर संधि में आपके जुड़े हुए जो शब्द है, संधि युक्त शब्द है, उसमें आपको ये दो मात्राएं आपको मिलेगी, तो आपको निश्चित रूप से इन दोनों मात्राओं को अच्छी तरीके से करना है। अब देखिए कुछ संधि युक्त शब्द हैं उनको अपने क्या करेंगे, तोड़ेंगे। कुछ चार पाँच शब्द लेता हूँ मैं यहाँ पे, उनको क्या करेंगे अपने, तोड़ेंगे। कुछ शब्द ले लेता हूँ मैं, उनको क्या करेंगे, शब्दों को तोड़ने वाले हैं। देखिए किस तरीके से अपने शब्दों को तोड़ेंगे वो ध्यान रखेंगे। जैसे मान लो शब्द है आपके सामने देखो शब्द लिखा है मैंने यहां पे महेश, ठीक है, शब्द लिखा है मैंने परोपकार, और यहां पे एक शब्द और लिख दिया मैंने, शब्द लिख दिया मैंने कणवृषि। आपको क्या करना है, गुण स्वर संधि के तहत यहाँ से महेश दिखाई दे रहा है, यहाँ पे परोपकार है और यहाँ पे कणव ऋषि है। महेश में मात्रा आपको ऊपर एक दिखाई दे रही है, ये बात मैंने बताई, यहाँ भी मात्रा ऊपर एक दिखाई दे रही है, आपको यहाँ पे री दिखाई देगा। तो जहाँ पर ये मात्रा आपको दिखाई देती है वहीं से शब्दों को अलग करना है, वहीं से शब्दों को अलग करना है। तो यहाँ पे जो महेश है यहाँ पे मात्रा आपको दिखाई दे रही है किसके, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है। आपको पता है ए कैसे बनता है, अभी मैं आपको बता के गया हूँ, ए या आ के बाद, ए या आ के बाद में हर्षवि या फिर दीर्घ या है तो वहाँ पे क्या बनेगा, ये ए बनेगा। तो शब्द को देखते हैं, आपको यहीं से तोड़ना है, बीच में ए आ गया और लास्ट में क्या बच गया आपका, स बच गया। अब देखो यहाँ से आपने ए की मात्रा निकाली तो भाई शब्द क्या बच गया, मह बच गया, ठीक है। अब आपको पता है ई है वो कैसे बनता है, हर्ष, सबसे पहले प्रथम शब्द के अंत में ए या आ आएगा, ये मैंने बता दिया। फिर प्लस की बात कर रहा हूँ, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में हर्षवी और दीर्घ आएगा और आपका बच गया स। ये तो है आपका प्रथम शब्द का मामला और ये है आपका द्वितीय शब्द का मामला, यहाँ से हो जाता है। अब एक बार आप इसको जोड़ो, एक बार आप इसको जोड़ो, शब्द है जी मह और एक है जी महा।
वैसे शब्द यहाँ पे महान होता है, लेकिन अपने पहले नियम में आप यही करते हो। इस है एक और एक हो जाता है ईश। जब हम महा महेश का विग्रह करते हैं तो महाधन ईश होता है, महाधन इसका सही विग्रह हो जाता है। तो इस नियम से आप संधियुक्त शब्दों का भी विग्रह कर सकते हो। तो ये दोनों शब्द है क्या है, वो सार्थक नहीं है। मैंने आपको बताया था संधि का जब विच्छेद करो तो वहाँ पे शब्द कैसे होने चाहिए, संधि विच्छेद करते टाइम दोनों शब्द है वो सार्थक बचने चाहिए। अगला शब्द आपको दिखाई दे रहा है परोपकार। अगला शब्द कौन सा दिखाई दे रहा है, परोपकार आपका शब्द है वो दिखाई दे रहा है। देखो अभी बात करता हूँ मैं, अभी बात मैं करूं यहाँ पे परोपकार जो शब्द है, इस परोपकार शब्द की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको ओ की मात्रा दिखाई दे रही। हाँ जी ओ दिख रहा है। और आपको पता है गुण संधि में ओ कैसे बनता है, ए या आ के बाद, ए या आ के बाद में ह्रस्व उ और दीर्घ उ आपको मिले तो वहां पे क्या होता है आपका परोपकार हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ह्रस्व उ और दीर्घ उ आपका यहाँ पे मिले तो आपका दोनों को जोड़ेंगे तो ओ बनेगा। अब देखिए जहां से आपको ओ मिल रहा है वहीं से शब्द को तोड़ दीजिए। ओ यहां से तोड़ रहे हैं, उसके बाद में क्या बचा, प क प कार है। इसके बाद में जहां से आपने ओ की मात्रा निकाली उसको आधा करके लिख दीजिए। हाँ जी हमने आधा करके लिख दिया है। अब जोड़ आ गया आपका इस तरीके का, जोड़ इस तरीके का आ जाता है आपके सामने। आपको पता है ये ओ कैसे बनता है, अभी मैं बता के गया हूं। ए या आ के बाद हर्षव या फिर दीर्घ आए तो वहां पे क्या बचता है, कार बचता है, प्रधन उपकार यहाँ पे बचता है। अब यहाँ पे देखिए ए या आ परधन, पहले में छोटी मात्रा डाल देते हैं, यहाँ पे प्राधन उपकार। अब देखिए बड़ी मात्रा डालनी है। अब आपको यहाँ पे पता है पर भी उपसर्ग होता है, प्रा भी उपसर्ग होता है, उपकार शब्द ये त्रुटि वाला है। अब आपको ये ध्यान रखना है परोपकार जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, और यहाँ पे विच्छेद कर, पर मतलब दूसरों और उपकार का मतलब उपकार होता है, यानी जो दूसरों पर उपकार किया जाता है वही क्या कहलाता है, आपका परोपकार कहलाता है। तो इसलिए जो आपका जोड़ा है पर धन उपकार यहाँ पे हो जाता है। इस तरीके से आपको भाई ये अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको करते जाना है, अच्छी तरीके से आपको क्या करते जाना है, करते जाना है। आगे देख लीजिए, ठीक है समय कुछ ज्यादा हो रहा है। इसके बाद में देखिए कणव धन ऋषि, आपका जो ये रह है यहीं से आपको देखिए यहाँ पे ए की मात्रा और यहाँ पे रह दोनों आपको दिखाई दे रहे होंगे इस तरीके से। और ये अर कैसे बनता है, ए या आ के बाद में अगर आपका री आता है तो वहां पे इस तरीके की स्थिति है वो बनती है, क्या बनती है, इस तरीके की आपकी स्थिति बनती है। अब आगे देखिए यहाँ पे ए या आ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो यहाँ से आधा किया तो यहाँ पे बीच में मैं अर लिख देता हूँ, लास्ट में क्या बचा है सी लिख देता हूँ, और लास्ट में आगे क्या बचा है कणव लिखना था मुझे, कणव लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पे जो कणव है वो हो गया, और कणव भी कैसा आधा, अब इसमें जोड़ो और ये बीच में आधा आ ही जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, ये इसका क्या बनाया गया है कणव, और अर कैसे बना ए या आ के बाद में जब आपकी री और यहाँ पे बच गया आपका सी। अब एक बार इसमें ए जोड़ो और एक बार आ जोड़ो कणव, और एक बार जोड़ो आप कणवा। ठीक है, इसके बाद में आप क्या जोड़ो ऋषि, एक की री है आपके, तो आपको ध्यान रखना है कणव होता है या कणवा, कणव होता है, और कणव ऋषि आपका क्या हो जाता है, कणव धन ऋषि इसका विग्रह यहाँ से हो जाता है। इस तरीके से आप क्या करते हो, इसको हल कर लेते हो गुण स्वर संधि को। ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं, और आपको क्लास एग्रीकल्चर की भी मिल चुकी होगी। नेक्स्ट मैं इसी तरीके से आपका सेशन लेके आने वाला हूँ हमेशा ही। आज के लिए इतना ही, और आपने शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत आभार। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।